गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपको सब कुछ समझ कर मैं आज की क्लास शुरू कर रही हूँ। ओके, आप कल की क्लास में क्या क्या सीखे थे? कल की क्लास में आप सीखे थे, आपको याद है क्या? नहीं याद है? याद है क्या? थोड़ा बोलो, कुछ एक दो शब्द बोलो। फेस्टिवल, फल के बारे में मैं बोल रही थी ना। कौन कौन से फल आपको याद है? आम, संतरा और अंगूर। नेक्स्ट याद है? इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज। इतना ही याद है? ओके, आप कितना है थे? मैं भी आपको उतना ही समझती हूँ। आपको इतना सारे तीन ही ना, दस में तीन आपको याद है। केला याद है ना आपको? केला मीन्स क्या? बनाना, पपई, पपीता। वैसे याद आते जाएगा, आप बोलते जा रहे थे याद। मकड़े निमिगे ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ? ಹಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ? ಹಣ್ಣುಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿದ್ದಾವೆ? ಮಾವಿನ ನೆನಪಿದೆ, ಕಿತ್ತಳೆ ನೆನಪಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನೆನಪಿದೆ. ಓಕೆ, ಮೂರು ನೆನಪಿದ್ದು ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಏನು? ಮೂರು ಜೊತೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೆನಪಿದೆ, ಹೌದಾ? ಪಪ್ಪಾಯ ನೆನಪಿದೆ, ಸೇಬ್ ನೆನಪಿದೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ऐसे हिंदी में भी आप ऐसा याद रखना। चलो आज इसके बारे में बातचीत करेंगे। आपको फल तो बहुत पसंद, इससे भी फल से ज्यादा स्वीट आपको बहुत पसंद आता है। स्वीट मीन्स सी, ओके, वो भी बहुत आता है। उससे भी ज्यादा कुरकुरे निमगे हण्णु मत्ते ಹಣ್ಣುಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಕುರ್ಕುರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ, ಸ್ವೀಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಏನು? ಕುರ್ಕುರೆ. ಸಂಬೇಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಕುರ್ಕುರೆ. ಓಕೆ, ಆಜ್ ಕ್ಯಾ ಸಿಕ್ಕೇ? ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಕಲಿತೀವಿ? ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ. ಕ್ಯಾ ಹೊಸ ವಿಷಯ? ನ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು. ಕ್ಯಾ ಆಪ್ಕೋ ಯಾದ್ ಹೈ सब्जियां? क्या आपको खाते समय बहुत मुश्किल होने का काम है सब्जियां? ये सब्जियां क्या है? वेजिटेबल्स। क्या है? आज हम सीखेंगे वेजिटेबल्स, सब्जियां। क्या सीखेंगे हम? हम सीखेंगे सब्जियां। ये सब्जियां क्या है? वेजिटेबल, तरकारीगळु। क्या? तरकारीगळु वेजिटेबल्स। आपको बहुत मुश्किल होता वेजिटेबल खाने के लिए, ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಿಮಗೆ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಚಲೋ, ಆಜ್ ಹಮ್ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಸೇ ಸಬ್ಜಿಯಾಂ ದೇಖೇಂಗೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೋ, ಕ್ಯಾ? ಟಮಾಟೊ ದೇಖೇಂಗೆ. ಕ್ಯಾ? ಟಮಾಟರ್, ಹಿಂದಿ ಮೇ ಟಮಾಟರ್। ಟಮಾಟರ್ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಬೋಲೇಂಗೆ ಆಪ್? ಟೊಮ್ಯಾಟೋ। ಕ್ಯಾ? ಟೊಮ್ಯಾಟೋ। जैसे नेक्स्ट आलू, आलू क्या है? पैटेटो। क्या? पैटेटो। जैसे तीसरा फूल गोभी, क्या है? फूल गोभी। ये फूल गोभी क्या है? कैनी फ्लावर। क्या है? कैनी फ्लावर। नेक्स्ट फोर्थ वन है आपको बैंगन। क्या है? बैंगन।
बैगन क्या है? ब्रिंजॉल, ब्रिंजॉल। नेक्स्ट आदमी है बैगन ब्रिंजॉल। और पांचवा है, पांचवा है गाजर। क्या है? गाजर। और क्या पढ़ेंगे? कैरेट, कैरेट। नेक्स्ट सिक्स्थ वन मूली, मूली। क्या है? रेडिश, रेडिश। सेवेंथ वन क्या है? दिस मटर। क्या है? मटर, मटर हो पी। नेक्स्ट है पालक। क्या एक है पालक? पालक तो खेलनी है। स्पिंच क्या है? स्पिंच। नई वन है भिंडी। देखने को भी कैसे है भिंडी? लेडी स्पिंकर। क्या है? लेडी फिंगर। क्या है? लेडी फिंगर। चलो चलो अब टमाटर, टमाटर के बारे में क्या बोलते हैं कन्नड़ में? टमाटो। क्या बोलेंगे? टमाटो, टमाटो। क्या है? टमाटो के जूस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जूस। क्या बनाते हैं? जूस बनाते हैं, शक्कर डालकर जूस बनाते हैं। और ये क्या ब्रेड के लिए, जाम के लिए भी ये तैयार करते हैं। और सांभर, पलाव, चटनी सब भी बनाते हैं ये टमाटर में। नेक्स्ट है आलू, पोटैटो। आलू, आलू गड्ढे क्या है? आलू गड्ढे। ये क्या है? आलू गड्ढे। पोटैटो में आलू गड्ढे कहते हैं कन्नड़ में। आलू गड्ढे क्या करते हैं? आलू गड्ढे में, आलू में ये स्वीट बनाते हैं और डोसा के लिए चटनी बनाते हैं चाटने के लिए, और ये चिप्स बनाते हैं। ओके, टमाटो के मतलब जूस मारती। नेक्स्ट ರೆಡ್ಡಿ ಹಚ್ಕೊಂತಿನ ಜಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತರ ತರಹದ. ಆ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಕೆಗೆ ಪಸಂದ ಏನ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಚಿಪ್ಸ್, ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೂಲ್ ಗೋಬಿ, ಮ್ಯಾಗಿ ಫ್ಲವರ್. ये क्या है? हूकोसु, हूकोसु। क्या बनाते हैं? हूकोसु। फूल गोभी, फूल गोभी क्या बनाते हैं? तो आपको बहुत पसंद है ना गोभी मंची, बहुत पसंद, बहुत टेस्टी। और पलाव के लिए भी बनाते हैं, और सांभर के लिए भी उपयोग करते हैं, और चाटनी के लिए भी उपयोग करते हैं। हूकोसु अब एक उपयोग ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ, ಬಹುತ್ ಪಸಂದ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಲಾವ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ಬೈಗನ್, ಬ್ರಿಂಜಾಲ್, ಬದನೆ. ಯಾ ಹೇ ಬದನೆ, ಯಾ ಹೇ ಬದನೆ. ಏ ಕಿಸೆ ಉಪಯೋಗ ಬದನೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೇಳಿ छापने के लिए और वाकई बात बनाते हैं. इसमें थीम और टेस्टी भी रहता है. इनको बदने का ही, बदने का हम सांभर उपयोगी, खुली माड़ा उपयोगी, चटनी मारती नंतर वाकई बात बनाते. ओके, नेक्स्ट है गाजर, गाजर कैरोट, कैरेट. क्या हम
ये कोसंबरी बनाने के लिए उपयोग करते हैं और स्वीट बनाते हैं, खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, है ना। और बच्चे आप सभी ऐसे ही भी खाते हैं, ये तो टेस्टी स्वीट रहता है। ओके, इन गाजर को ना टेस्टी के स्वीट मार्केट पायस मार्केट में ಮತ್ತೆ ಗಾಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೋಸಂಬರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏ ತು ಸ್ವೀಟ್ ಹಿ ಸಬ್ಜಿ ಹೇ ದೇಖೆ ಖಾನೆ ಮೇ ಸ್ವೀಟ್ ಲಗ್ತಾ ಹೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲಿ ರಾಡಿಶ್, ರಾಡಿಶ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಮೂಲಂಗಿ. ಮೂಲಂಗಿ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯೂ ಏಕ್ ಖಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಖಾರಾ ಖಾನಾ ರಹತಾ ಹೈ, ವೈಟ್ ರಹತಾ ಹೈ. ಯೇ ತು ಐಸೆ ಭಿ ಖಾಯಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ये तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, पाचन के लिए बहुत विशेष रूप से होता है, ये सामान के लिए और चाटनी भी बनाते हैं। मूलंगी नोड़ा वैट इतने अब पाचन क्रिया चलते ना अब हाथी सांबार के कोसुंबी ये तो पलाव के लिए, कुर्मा के लिए ऐसे भी खाते हैं। जो बटाणी पलाव उपयोगी कुर्मा उपयोगी पानी पूरी मे उपयोगी इन तुम टेस्टी। नेक्स्ट पालक, पालक सोप, पालक पालक तो ये तो सब्जी है, सब्जी ग्रीन भी है, ये पत्ता है, ये पालक को पालक जूस बनाते हैं, पालक को सागू बनाते हैं, पालक पलाव बनाते हैं, पालक चटनी बनाते हैं। पालक बहुत देर से व्यंजन है, इसे पकाते हैं। पालक सोपिंग सूप मारती है, सांबार मारती है, पूड़ी मारती है, पलाव मारती है, चटनी मारती है। पालक का बहुत सारे उपयोगी पाच है। नेक्स्ट है बीन, ये तो लेडीज भी बन बेंडे खाई, क्या है बेंडे काय, ये तो लेडीज देखने के लिए लेडीज फिंगर जैसे है, पतले पतले रहते हैं, ये तो बहुत टेस्टी है, ये सांभर के लिए उपयोग करते हैं। आप ये देखो, ये तो टमाटर आलू गोभी बैंगन गाजर मूली मटर पालक बीन। ओके, आपको ये समझ कि टमाटर लाल रहता है, केवल गिरते हैं, स्मूथ रहते हैं, टेस्टी रहता है, ऐसे ही खा सकते हैं। और आलू गट रहता है, ब्राउन कलर रहता है, ऐसे ही नहीं खाने होता, ये तो टेस्टी हेल्दी है। और टमाटर नोटी के केवल गिरते हैं, स्मूथ गिरते आलू के ಮಂಡಿನ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಬಾಯಿ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವಾಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡೇ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಟೇಸ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೂಲ್ ಗೋಬಿ, ಫೂಲ್ ಗೋಬಿ ಫ್ಲವರ್ ಜೈಸಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫೂಲ್ ಕೆ ಜೈಸಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ರಹತಾ ಹೈ, ಇಸ್ಮೇ ಬಹು ಡೇರ್ ಸಾರೆ ಉಪಯೋಗಿ ಚೀಸೆ ಬನಾತೆ ಹೈ, ಔರ್ ಯೇ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಫೇಮಸ್ ಹೈ. ಇದು ವೈಟ್ ರಹತೆ ಹೂಕೋಸ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪಲಾವ್ಗೆ ಮತ್ತು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ಬರೀ ಬಾಯಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ. ಬೈಗನ್, ಏತೋ ವೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ರೆಡ್ ಐಸ ಫೈವ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ, ದೇಖೇ ಭೀ ಸ್ಮೂತ್ ರಹತಾ ಹೈ, ಐಸೆ ಹೀ ಖಾನೆ ನಹೀಂ ಹೋತಾ, ये उबाल के ही खाने हैं, चटनी सांभर वो वांगी भात के लिए उपयोग करते हैं। जो बदन है बड़ी बैठी ना पड़ ला गट्टी ना ला स्मूथ वाला नहीं करते, हमारे जो बदने पूरी बदने का ही चटनी हमारे वांगी भात मारने के उपयोग से। अरे ये गाजर, गाजर कैरेट, कैरेट मारने के केस कलर ते गट्टी रहते हैं, कैरेट हलवा मारते कैरेट पैसा मारते ಕೋಸಂಬರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಕೈಗೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ.
व्हाइट रहता है, ये तो सांबर बनाने के लिए चटनी में बनाते हैं, कोसंबरी में बनाते हैं, ये तो खारा रहता है, ये तो स्वीट नहीं रहता, खारा रहता है। ಮೂಲಂಗಿ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬರಿ ವೈಟ್ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಖಾರ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಚಟ್ನಿ ವಗೇರ ಮಠದ ಮಠದ ಪಲಾವ್ಗೆ ಕುರ್ಮಾಕ್ಕೆ ಅವರು ಚೀಸೆ ಬೇಕರಿ ಕಮ್ಮಿ ಚೀಸೆ ಬರತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ। ಬಟಾಣಿ ಖಾರ ಬಟಾಣಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರಿ ವೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಲಾವ್ಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು पालक सब्जी, पालक सब्जी का सांबार और पालक जूस, पालक की चटनी सभी बनाए। तो ऐसे भिंडी, भिंडी तो लेडीज फिंगर रोल को ले केलीना बेकैना बेलन तरह इरते हरी हसर इरते पूर्ति इधर चटनी माड़ी सांबार माड़ी। ओके चिल्ड्रन, आप आज को अब आपको सभी इतने सारी सब्जियां याद है, टमाटो, आलू, गोभी, बैंगन, गाजर, मूली, मटर, पालक, भिंडी, इतने सारे वेजिटेबल को आपको जानकारी दी। ओके, आप सभी ये सब जान वेजिटेबल खाने से तंदुरुस्त बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे, इसलिए चिल्ड्रन आप सभी ये सब्जियां खाना। ओके मकड़ा, इष्टु तरकारी परिचय आयो, इष्टु तरकारी प्रतिदिन अम्म हाकोटा तक स्ट्रांग मत ऐन पवर्फुल आगे। ओके प्रतिदिन नहीं तीरकोटी इवती क्लास ना मुगसता है। ओके चिल्ड्रन, आज सभी ये सभी चीज़ों का खाने का समझकर आज के क्लास में समाप्त करती हूँ। ओके थैंक यू।